ज्यादा लंबे गफीर है, हजूर मिंबर पर है, इब्रानी शरीफ की हदीस है, मोज मनाओ सत हजूर फरमाया या अन्नास अला खतरकुम बिखैरिन नास जद्दो मजद्दा। कमरी वाला मिंबर पर जलवादार है, सहाबा का जम्मे गफीर है, और जिक्र किन का आ रहा है? इमाम हसन मुज्तबा का और हुसैन का। सुभान अल्लाह, गौर से सुनिएगा। फरमाया लोगों, मैं ऐसे लोगों का तारीफ ना तुमसे कराऊं जो हर लिहाज से अफजल है। बेशक बेशक, बिखैर नास जद्दा व जद्दा। फरमाया जिनका नाना भी आला हो, नानी भी आला हो। मेरे साथ रहिएगा, तवज्जो दीजिएगा, टाइम बहुत कम है। कहा मैं ऐसे लोगों को ना बताऊं, उनका तारीफ ना करूं जिनका नाना भी कमाल वाला हो, नानी भी कमाल वाली हो। जिनका नाना भी अफसल हो, नानी भी अफसल हो। खैर जद्दम व जद्दा व अम्मा व अम्मा, अब्बा व अम्मा, खाला व खाला। मैं लफ्ज थोड़े ले रहा हूं। फरमाया ऐसे लोगों का तारीफ ना करो जिनका बाप भी आला है, माँ भी आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह रहा है। सुभान अल्लाह, इमाम हसन की तारीफ है, इमाम हुसैन की तारीफ है, जबान मुस्तफा से है। हजूर की जबान से मजा सुनकर सुभान अल्लाह ना कहे तो अपने गिरेबान में जाके। अजीजा ने मोहतरम हजूर ने फरमाया, आए आओ लोगो, मैं ऐसे लोगों के बारे में ना बताऊं जिनका नाना भी आला है, नानी भी आला है, जिनके चचा भी आला है, जिनकी भूपी भी आला है, जिनकी खाला भी आला है, जिनके बाबू भी आला है। खैर नास लोगों के अंदर जिनका फूफा भी कमाल, फूफी भी कमाल वाली है, जिनका चचा भी कमाल वाला है, जिनका बाप भी कमाल वाला है, माँ भी इज्जतों की मालक है। खैरों जद्दम व जद्दा, जिनके अबाउट जिनका बाप भी आला है, जिनका नाना भी आला है, नानी भी आला है। मैं सुनो वो कौन लोग हैं जिनका नाना भी आला और नानी भी आला है। मैं हुमा हसनन वल हुसैन, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। फिर अयूब ने आगे तारों भी बताया, फरमाया नाना कौन है उनका? फरमाया नाना है रसूलुल्लाह, नाना है रसूलुल्लाह, नानी है खदीजत कुबरा, जिनके चचा है जाफर बिन अबी तालब, जिनकी फुप्पी है उम्मे हानी बिन अबी तालब, जिनके मामू है अबू जनाब कासिम आपके, जिनके मामू है जनाब कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हो, जिनकी खालाए हैं जनाब ज़ैनब और रुकैया और उम्मे कुलसूम बिनत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बिनत रसूलुल्लाह। और जिनके जिनके खालू, जिनके मामू जनाब कासिम और खालाए, और फरमाया सुनो उनका नाना भी जन्नती है, सुभान अल्लाह, उनकी नानी भी जन्नती है, सुभान अल्लाह, उनका खालू भी जन्नती है, उनकी खालाएं भी जन्नती है, उनका बाप भी जन्नती है, उनकी माँ भी जन्नती है, वो खुद भी जन्नती है। सुभान अल्लाह। और ये सारी संगीतों के मालिक कौन है कायनात के अंदर, जिनको सारी खैर रब ने अता की है, के हवाले से एक को हसन कहते हैं, एक को हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फकीह सियाबी, मुफस्सिर सियाबी, हजूर के चचा जाद, उम्र में इमाम हुसैन से बड़े, इमाम हसन से बड़े, तरीके दमिश्क के इब्न असाकिर, उसके अंदर लिखा है कि इमाम हसन मुज्तबा खड़े हुए सवारी आई, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आपने रकाब थामी और इमाम हसन को सवार करवाया, फिर इमाम हुसैन आए, फिर रकाब थामी और इमाम हुसैन को सवार करवाया। पूछने वाले ने पूछा,
हजरत आप उम्र में बड़े हैं, आपका मकाम बड़ा है, आपने ये क्या किया? आपने फरमा रहे नादान तू जानता ये कौन है? अरे नादान तू जानता है ये कौन है? तुम्हें पता है इनकी क्या खबर है, ये कौन है, इनका क्या मकाम है? फरमा नादान तुम्हें नहीं पता, ये जन्नती जवानों के सरदार है, ये रसूल के बेटे हैं। और मुझ पर अल्लाह का एहसान और इनाम है। प्रोफेसर साहब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ये सहाबी हैं, क्या कह रहे हैं? घोड़े पे सवार करवा के इमाम हसन को, इमाम हुसैन को कहा ये अल्लाह के रसूल के बेटे हैं और ये मुझ पर अल्लाह का एहसान है। सुभान अल्लाह, कितना सोना जुमला बोला है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, तेरी अजमत को सलाम है। कहा अल्लाह का एहसान और इनाम है जो मुझे रकाब थामने का मौका ना फरमाया और सवार पर सवार इंद्रानी का इजाज आफर करवाया। अल्लाह ने मुझे इजाज दिया है कि मैंने इनको सवार करवाया। कौन कहता है? उन्हें खबर नहीं, और सियापा को तो खबर है। कुर्बान जाए हजूर मौला अली मुर्तजा मस्जिद में आए, मस्जिद भरी हुई है, ताए तारे कायनात जलवा कर हैं, सहाबा किराम बैठे हुए हैं, हजूर अबू बकर सिद्दीक साहब बैठे हुए हैं। अली पाक ने ऐसे नजर उड़ाई कि जा खाली हो वहां बैठ जाओ, जगह खाली नजर नहीं आ रही। इतने में अपनी जगह से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने उठे और कहा अबुल हसन यहां पर आइए, यहां पर आइए। क्या कहते तरबियत नहीं हुई? ये हजूर ने तरबियत की है, आज हमें बड़े मुहिबाने वाले बैत मिल जाएंगे, हुसैन के नाम पे मरने वाले बड़े मिल जाएंगे। अजीजा ने मोहतरम सही आप सद्दीक रजी अल्लाह तआला ने उठे, अपनी जगह से खड़े हुए, कहा अबुल हसन मौला अली की कुनियत है, कहा आप यहां तशरीफ लाए। जब बैठे हजरत अली आकर तो हजूर मुस्कुराए, हजूर के चेहरे पे खुशी आई, हजूर खुश हुए, खुश होकर मुस्कुराए। उलमा कहते हैं जब हजूर मुस्कुराते हैं जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। कुछ ही बोलो सुभान अल्लाह, जब हजूर मुस्कुराते हैं जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। हजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर पता है क्या कहा? कहा लोगों अहले फसल ही फसल वालों की फजीलत को जानते हैं, आसान कर रहा हूं। कहा जेड़ा चंगा मंदा हो ना और चंगे मंदी चंगे ही जानता है, अहले फसल ही खुद जो फजीलत वाला हो, खुद नस्ली हो, मैं बहुत जुमला बोल रहा हूं, खुद फजीलत वाला हो, खुद नस्ली हो, वो जानता है अगले बंदे जो फजल वाला है उसका मकाम क्या है। सुभान अल्लाह, शायर ने क्या खूब कहा कि बे इजाजत जिनके घर भी जबरील आते नहीं, बे इजाजत जबरील भी जिनके घर आते नहीं, कदर वाले